हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी गणेश जी बनाना। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके लिए देखिए, मैं अब इस गणेश जी बनाने के लिए मैंने 3 कलर की कॉर्ड यूज़ की है, रेड, ग्रीन और येलो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। बीट यूज़ की है रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, और लटकन यूज़ किया है रेड कलर का। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता लगेंगी कि कहाँ क्या कौन सा बीट यूज़ करना है। उसके बाद 8 नंबर की एक रिंग यूज़ की है मैंने। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये वीडियो पार्ट में भी बना के डाली हुई है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और डिटेल में मैंने पार्ट में सारे मेरे 4 पार्ट बनाए हैं और 4 पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में इसको बनाना सिखाया है। और इसे मैंने एक ही वीडियो में, जो आप अगर पार्ट में नहीं देखना चाहते एक साथ देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये एक सिंगल वीडियो बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने 4 मीटर की कॉर्ड है, यहाँ 2 मैंने अटैच कर ली है। और अब मैं यहाँ पे बीच वाले में एक रेड कलर की बीट डाल के यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगाऊंगी। यहाँ हमें 14 कॉर्ड अटैच करने हैं फ्रेंड, एक एक करके मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। आपको अगर इसमें इसे डिटेल में देखना हो तो आप मेरे पार्ट वाले जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं उसमें आप जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ मैंने वहाँ पर समझाई हुई है। श्योर कि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें देखकर आपको सारे जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे कॉर्ड को अटैच कर लिया है, 7-7 आएगा अगर आप इसे काउंट करेंगे तो। और अब मैंने लास्ट वाले को पाइपिंग कर लूँगी, मैं सारे जितने बचे हुए कॉर्ड हैं उन्हें सारे को पाइपिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाइपिंग कंप्लीट कर दी है। कंप्लीट करने के बाद मैंने एक एक छोड़ के यहाँ पे मोतियाँ डाल दी थी, और मोतियाँ डालने के बाद फिर से मैंने पाइपिंग कर लिया है। और पाइपिंग करने के बाद अब मैं चार चार कॉर्ड का लेकर यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट बना रही हूँ। स्क्वायर नॉट बनाने के बाद एक लाइन कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद ये मैंने सेकेंड लाइन स्टार्ट किया है। इसमें आपको साइड साइड में दो दो कॉर्ड छोड़ देनी है, और आपको स्क्वायर नॉट ऐसे ही लगाते हुए आना है। लगाते हुए मैं देखिए यहाँ नीचे तक आ गई हूँ। अब मेरे दो कॉर्ड जब बच जाए, दो स्क्वायर नॉट लग जाएंगे, तो हम एक सिंगल वाले कॉर्ड को नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम दो मोतियाँ डाल के यहाँ तिलक बनाएंगे, और उसको डालने के बाद यहाँ पर हम अब इसमें स्क्वायर नॉट लगाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर टाइट ही रखना है, ढीला नहीं करना है। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, लाइक शेयर भी करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब देखिए, लास्ट वाला कॉर्ड लेके मैं इसे पाइपिंग कर लूँगी, और पाइपिंग हमें पूरी नहीं करनी है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे पूरा पाइपिंग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पाइपिंग नहीं करनी है। मैंने यहाँ जूम करके आपको दिखाया है कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ मोती जहाँ तक है बस उसी को पाइपिंग करनी है। नीचे के जो हमारे स्क्वायर नॉट बने थे उसके जो दो दो धागे उसे हाफ़ कर लेंगे, और दो हम राइट साइड यूज़ करेंगे और दो हम लेफ़्ट साइड यूज़ करेंगे। लेफ़्ट वाले में देखिए, हम राइट वाला जो बना रहे हैं वहाँ पर उसी धागे को लेकर अब हम पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। हम ऊपर वाली लाइन वाली जो धागा था उसे हम पाइपिंग नहीं कर रहे हैं, हमने उसे छोड़ के नीचे से पाइपिंग किया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और अब देखिए, हम यहाँ थोड़ा थोड़ा गैप भी नहीं करना है, बिल्कुल टाइट रखना है। टाइट करते हुए हमें ऊपर तक जाना है, और ऊपर से हमें 5 कॉर्ड जो है उसे छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पे उसका छोड़ने का ये रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम आई शेप देंगे। आई शेप देने के लिए हमें ऊपर के 5 कॉर्ड को छोड़ देना है, और उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के हमें पाइपिंग करनी है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैपिंग करके यहाँ पे आई शेप ऊपर की बना ली है। अब नीचे वाला जो देखिए एक धागा लेंगे हम, और उसे भी हम थोड़ा 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 स्पेस देखते हुए आएंगे। बीच में जब हम आ जाएंगे, पांच हमारे लेफ्ट रहेंगे, पांच हमारे राइट रहेंगे, बीच का जो हमारा छठवां कॉर्ड रहेगा वहाँ पर हम एक बीट डालेंगे। दो बीट मैंने यूज़ की है, आप चाहें तो आप सिंगल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की बीट यूज़ करनी है, बट मेरे पास ब्लैक कलर की बीट नहीं थी, इस वजह से मैंने ये बीट यूज़ कर लिया था। लेकिन मैं बाद में इसे ब्लैक कलर से कलर कर दूँगी तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा। आपके पास मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास अगर आप ब्लैक कलर की बीट है तो आप वही यूज़ करें कलर करने का। ये मेरा ऑप्शन था, क्योंकि था नहीं उस समय मेरे पास, वरना मैं ब्लैक कलर ही यूज़ करती। ये देखिए हमारी पाइपिंग हो रही है। यहाँ पे आराम से पाइपिंग करनी है, नहीं तो हमारा आई शेप ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए हम बीच में पहुँच गए हैं। बीच में हमने ये दो कॉर्ड में हमने डाल दिया है दो मोती। आप चाहे तो एक मोती यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी च्वाइस है। मैंने यहाँ दो यूज़ किया है। और अब हम इसे देखिए ऊपर की तरफ जाते हुए थोड़ा टाइट करते हुए जाएंगे, और हम वहाँ पे लास्ट में जाकर पूरा यहाँ पे आई शेप हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया वहाँ तक आके, और पीछे पे आके हम यहाँ पे पिन से मैंने यहाँ पिन अप कर दिया है, फिक्स कर दिया ताकि आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी ना हो पाए, फिक्स हो वहाँ पर। और हम अभी से पाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमें मोस्टली पाइपिंग ही करना है राउंड राउंड में। अब यहाँ पे हम देखिए पीछे बहुत बड़ी गैपिंग है, उस गैपिंग को हमें भरने के लिए धीरे 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 थोड़ा थोड़ा टाइट करते हुए जाना है, और सेवन लाइन हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। सेवन लाइन में हमारा जो गैपिंग है पीछे का वो भर जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। ये अभी हमारी पाइपिंग चल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी देखिए पांच लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है, और छठवें लाइन में जब हम वापस आएंगे ना, तो यहाँ पर हम एक रेड कलर की कॉर्ड यूज़ करेंगे। इसका मेज़रमेंट 3 मीटर है। इसे हम अटैच करने के बाद एक बार हम लेफ़्ट साइड से एक पाइपिंग लगाएंगे और एक राइट साइड से पाइपिंग लगाएंगे, तो हमें ये चार दिखने लगेगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पर हमें चार कॉर्ड अटैच करनी है, लेकिन बिल्कुल नहीं फ्रेंड, हमें यहाँ पे एक सिंगल ही कॉर्ड का अटैच करना होता है, और हमें एक साइड और एक लेफ़्ट साइड हमें पाइपिंग करना होता है। अब एक इसके नीचे का एक जो बचा था कॉर्ड उसको हम छोड़ देंगे, और अब हम इसको पाइपिंग करना फिर से स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह हम पाइपिंग करते करते गोल गोल जाएंगे, और पीछे थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाएंगे। जो हमारी सेवन लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी फ्रेंड्स देखिएगा, आपका पीछे का जो गैपिंग था वो भर जाएगा। एक चीज़ और फ्रेंड मैं करती हूँ यहाँ पर, कि
मैं एक कागज़ का एक कोन बना लेती हूँ, क्योंकि कोन के अकॉर्डिंग ही हमारी सूट बनती है। तो हम इसे कोन बना लेते हैं और इसको हम पीछे फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड कि हमें गोल बनाने में आसानी होती है, पाइपिंग करने में भी आसानी होती है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड कि हमारी एक दो कॉर्ड छूट जाती है, क्योंकि हमें दिखती नहीं है, हमें लगता है हो गया है लेकिन होता नहीं है, और वो छूटने की वजह से फिर से हमें खोलना पड़ता है। तो इस वजह से अगर हम इसे लगा देंगे तो हमारी सारी कॉर्ड जो है वो आसानी से हमें दिखती है। तो हम कॉर्ड जब हम इसको पाइपिंग करते हैं तो सारी कॉर्ड हमारी पाइपिंग हो जाती है, एक भी हमारी छूटती नहीं है। तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। अब देखिए, करते करते अब हमने वो कागज़ निकाल दिया, क्योंकि हमारी सूट लंबी हो चुकी है। और मैंने ये रेड वाला भी कंप्लीट करके वहीं पे स्टिक कर दिया था। और अब हम यहाँ से इस सूट को मोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसमें एक एक कॉर्ड को छोड़ते हुए, ऊपर से ही मैं एक एक कॉर्ड छोड़ते हुए आई थी और अंदर स्टिक कर दिया था, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एक एक कॉर्ड छोड़ते हुए आएंगे और एक एक लाइन अंदर उसको स्टिक कर देंगे। और एक तरफ हमारा टाइट होगा, जिधर से हमें मोड़ना है उधर हम टाइट रखेंगे, और इस साइड से राइट साइड से टाइट रखेंगे, और लेफ़्ट साइड से हम थोड़ा थोड़ा ढीला करेंगे ताकि हमारा सूट आराम से मुड़ जाए। होता क्या है, आप लोग पूरा हर तरफ चारों तरफ से टाइट रखते हैं, इस वजह से वो मुड़ती नहीं है और सीधी सीधी खड़ी रह जाती है। तो इधर से हमें हल्का हल्का, देखिए यहाँ से ना, हम यहाँ से हल्का हल्का ढीला करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा लूज़ करेंगे, तभी ये हमारी आराम से मुड़ जाएगी। देखिए ये, देखिए मोड़ने पर भी आपको दिख रहा होगा, इधर से हल्का हल्का लूज़ हुआ था और ये हमारी मुड़ चुकी है। हमारे इतने कॉर्ड बचे हुए हैं, हम इसे अभी काटेंगे नहीं, हम एक एक करके गोल बनाते हुए जाएंगे, राउंड करते हुए पाइपिंग करते हुए जाएंगे। एक एक जो बचेगा उसको हम, अब हमारे हाथ से अंदर नहीं जाएगा तो हम इसे कैची की हेल्प से अंदर की ओर घुसा देंगे। लास्ट में हमारे दो कॉर्ड बचेंगे, दो कॉर्ड में हम मोती डालेंगे और मोती को क्रॉस कर लेंगे, और क्रॉस करने के बाद हम उसी को वहाँ पर ले जाके स्टिक कर देंगे। तो हमारी सूट बन के रेडी हो जाएगी।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूट बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम आ गए हैं कान की तरफ। कान की तरफ हमने यहाँ पर दो दो मीटर की एक एक सिंगल सिंगल कॉर्ड ली है। डबल डबल कॉर्ड हम एक ही छेद में डालेंगे और हमारी चार कॉर्ड हो जाएगी। चार कॉर्ड के जो बीच का कॉर्ड होगा, दो कॉर्ड हम लेंगे, उसमें एक मोती डालेंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर नॉट ही लगाएंगे। इसी तरीके से हम 14 कॉर्ड यहाँ पे अटैच करने वाले हैं, दो दो मीटर, जिस सारे की लंबाइयाँ होंगी। लंबाई को आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करके इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद ही हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद हमारी 14 कॉर्ड, जब हमारी नॉट लग जाएंगी तो ये 7 हमें दिखेंगी। 7 दिखने के बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाना कान का स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 7 हमारी बन गए, 7 बीट्स हमारे लग गए। और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सारे उसको कर लिया था स्क्वायर नॉट। अब हम साइड साइड के दो दो कॉर्ड छोड़ते हुए हम यहाँ पर लगा लेंगे फिर से स्क्वायर नॉट। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखनी है, मैंने अपने पार्ट वाले वीडियो में भी बहुत ध्यान से इस चीज़ को बहुत जूम करके दिखाया है, बताया है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो कॉर्ड को हमने एक बार छोड़ना है और फिर हमने पूरा बना लेना है स्क्वायर नॉट। उसके बाद जब हम सेकेंड लाइन में आएंगे, थर्ड लाइन में, तो हम उस 4 वाले कॉर्ड को क्या करेंगे ना, स्क्वायर नॉट लगा लेंगे, छोड़ना नहीं है। एक बार हमें दो कॉर्ड छोड़ने हैं, एक बार उसी दो कॉर्ड को हमें लगा लेना है, तो हमारी एक डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से
देखिए फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे चार कॉर्ड यहाँ पे छोड़ देंगे, और चार कॉर्ड छोड़ने के बाद देखिए लास्ट में हम ना यहाँ पे चार, देखिए हमको गिनने में पांच आने चाहिए। लास्ट से आप गिनेंगे ना, लास्ट वाली मोती जो है वहाँ से आपको पांच यहाँ पे दिखेंगे कि पांच स्क्वायर नॉट है। उसके बाद हम चार यहाँ पे छोड़ देंगे लास्ट में, और हम एक सिंगल नॉट वही स्क्वायर नॉट लगा लेंगे यहाँ पे चार, और फिर एक और यहाँ बगल में चार कॉर्ड और लेंगे और स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। जब हमारे ये दो स्क्वायर नॉट लग जाएंगे, तो इसी दो स्क्वायर नॉट के जो चार कॉर्ड, जो बीच के चार कॉर्ड आएंगे, वहाँ से हम अब एक और स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से भी हमने चार स्क्वायर नॉट लगा लिए हैं। जब हमारा ये स्क्वायर नॉट लग जाएगा तो बस अब ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम देखिए, मैंने आपको ये करके दिखाया है, और इस तरफ का जो लेफ़्ट साइड है वो मैंने पहले से करके रखा हुआ था। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जो ये लास्ट का एक कॉर्ड है ना, उसी को लेके हमें पाइपिंग करनी है, और फिर वापस से उसी को वापस लाते हुए डबल को पाइपिंग करते हुए हमें वापस आना है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने डबल पाइपिंग कर ली और दो 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 कॉर्ड में मैंने दो दो एक एक मोती डाल दी है सिंगल सिंगल, और इसे भी हम डबल पाइपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा कान बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने एक कान बना लिया है और अब हम दूसरा कान भी हमने बना लिया है और बना के कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हमने सेकेंड कान में भी यूज़ किया है। अब हम आएँगे रिंग की तरफ। रिंग को हम कवर करने के लिए यहाँ पर 8-8 कॉर्ड डालेंगे, 8 कॉर्ड का एक को डिज़ाइन बनाएंगे, उसी तरह हम पूरे रिंग को कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन बना के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पहले हम रिंग में 8 कॉर्ड को अटैच कर लेंगे। सिंपल जैसे हम अटैच करते हैं वैसे ही हम अटैच करेंगे, कोई अलग से कोई और अलग तरीका मैंने नहीं बताया है यहाँ पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये देखिए हमारे 8 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे 4-4 कॉर्ड को लेके यहाँ पे स्क्वायर नॉट बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर और भी कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि वो मैं आपको बनाकर दिखाऊं, आपको बनाना सिखाऊं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या सीखना है, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि वो की चीज़ कैसे बनती है। देखिए ये हमारे 4 कॉर्ड यहाँ जब हम यहाँ पर बना देंगे ना, तो यहाँ पर हमारे 4 स्क्वायर नॉट बन जाएंगे। देखिए 3 मैंने बना लिए और अब ये चौथा हम बना रहे हैं। 4 स्क्वायर नॉट बन गए हमारे यहाँ पे। अब हम दो दो कॉर्ड बगल बगल के छोड़ देंगे और अब हम यहाँ पे 3 स्क्वायर नॉट लगाएंगे। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, सारी डिज़ाइन बन गई है हमारी, हमारे 6 डिज़ाइन यहाँ पे बनी हुई है। अब बीच में हम आएंगे और यहाँ पे टांगने के लिए बनाएंगे, और उसके लिए उससे पहले हम यहाँ पे जो कान को रिंग में अटैच करेंगे, क्योंकि कान को हम रिंग में अटैच करके कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। एक मैंने कॉर्ड लिया है, इसको ऊपर से हम डालेंगे और नीचे रिंग की तरफ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम यहाँ पे सिंपल बीच में रिंग रखेंगे, अगल बगल नॉट कॉर्ड रखेंगे और हम एक सिंपल नॉट लगाते हुए चले जाएंगे। हमें ये आधे रिंग तक ही करना है। इसी तरह हम लेफ़्ट भी करेंगे और राइट भी करेंगे। जब हमारी आधे आधे हम यहाँ पे पाइपिंग कर देंगे तो हमारा ये रिंग कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में जो कॉर्ड बचेगा उसे हम कट कर देंगे, कट करके स्टिक कर देंगे। ये देखिए हमारा ये बन गया, और ये देखिए मेरा बन चुका, स्टिक भी हो चुका, और हमने टंगन भी बना लिया है। अब हम इसे एक एक करके काट देंगे। ऊपर से 4 कॉर्ड हम पहले से काट के स्टिक कर देंगे, और एक एक कॉर्ड काट के हम इसमें लटकन और मोती लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मोती और लटकन लगा के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ बीच में बड़ा और अगल बगल छोटा छोटा रखा है, छोटे से बड़े की ओर गए हैं, और ये हमारा गणेश जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।